my channel and welcome back to the another study with me episode. And आप सोच रहे हो कि study with me video है तो मैं बाहर क्या कर रही हूँ. बाहर actually देखो बर्फ गिरने लगी है, तो मैं बाहर बर्फ के थोड़े थोड़े glimpse लेने आ गई. आप भी enjoy करो थोड़ा सा, फिर अंदर चल के पढ़ाई करते हैं. ओ शिट, बहुत हवा चल रही है. बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो मैं अंदर गई भाग के और जल्दी से कैप और ग्लव्स पहन के आ गई ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, अदरवाइज हाथ फ्रीज हो जाते हैं. इसको ठंड लग रही है. तुम्हें ठंड लग रही है? तुम्हें ठंड लग रही है मोचू? ए ठंड लग रहा है? कम 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 मोचू. गाइस ये बिल्ली को मेरे ठंड लग रही है. यो इसको ना ठंड लग रही है बहुत ज्यादा. चिक 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 चिक. दिखाओ मुंह, मुंह दिखाओ, सबको दिखाओ. कितनी सो इसको ठंड लग रही है, ये पूरी बर्फ में हो रही है. और इसके लिए मैंने अंदर ऑलरेडी स्वेटर वाइटर रख के घर बना रखा है, पर ये उसमें नहीं बैठती. इसको बाहर घूमना है. हाय बोलो सबको. हाय. स्नो में खेलने के बाद जब मैं अंदर गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे चाय पी लेनी चाहिए पढ़ने से पहले. एंड मैंने देखा तो मेरे फ्रिज में मोलोको दैट मींस मिल्क नहीं था. सो नाउ आई एम गोइंग टू बाय अ मिल्क. और आप देखो नज़ारा, बर्फ, बहुत सारी बर्फ गिर चुकी है और अभी और गिरेगी. आज फुल डे स्नो है. चलते हैं और जल्दी से दूध लेके आते हैं. तो गाइस मैं सुपरमार्केट नहीं जाऊंगी दूध लेने के लिए. मेरे घर के सामने ही एक शॉप है छोटी सी जहां मैं जाऊंगी. के लिए है दूध एंड बिस्किट. अब चलते हैं. तो गाइस जब स्नो गिर रही होती है ना तब बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती. लाइक सी मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं क्योंकि जब स्नो गिर रही होती है तब इतनी ठंड नहीं लगती. ठंड लगती है जब स्नो पिघल रही होती है.
उस टाइम आप ऐसे नॉर्मली बाहर नहीं जा सकते, बहुत ठंड लगती है। सो जल्दी से चलते हैं, चाय बनाते हैं और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे अभी जो मौसम है ठंड वाला, तो ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तो मैं पूरा विंटर्स में सिर्फ सोई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ओवरकम करना पड़ती है। जैसे मेरी ये बाउंड्री थी, मैं ठंड में नहीं पढ़ पाती थी। मैं बहुत, मुझे लगता था कि मैं बस सोते रहूँ। तो ये मैंने एक अपनी बाउंड्री ओवरकम की है। एंड आई एम श्योर आपकी भी कुछ ना कुछ ऐसी कमज़ोरी होगी जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं कर पा रहे होगे। सो ट्राई टू ब्रेक दैट आउट और फिर देखो आप रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। Guys, we have an infinite capacity as a human being to tell ourselves stories, and the most important one we tell ourselves is about ourselves. So, there are difference between the skill that we just haven't developed yet and the self-imposed limitations we place on ourselves through uncertainty and fears. And these limitations are creating obstacles, are not allowing you to give your 100% towards your goals. So we have to overcome these in sometimes in our life. We have to overcome our limitations to give our 100% towards our goals. And what you can do is get in touch with your motivation always, accept the discomforts, build confidence, and if you need, don't be shy, ask for help. And use a little healthy imitation and learn from losses and make some space. And this is how I overcome my obstacle, and so you can also.